नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके मेरे एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। इस दिन धन की कामना के लिए माता लक्ष्मी के लिए उपवास किया जाता है और वैभव लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, तो मैं कुछ उपाय और टोटके आपको बताने जा रही हूँ। एक बार इनको ज़रूर आजमा कर देखिएगा, लेकिन ध्यान दें, अगर आप इन उपायों को कर रहे हैं तो आपको बीच में कोई रोके या टोके नहीं। ये उपाय माता लक्ष्मी के साथ साथ हनुमान जी से भी जुड़े हुए हैं। इनको करके आप अपनी सैकड़ों मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक, धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन रात में घर के पूजा स्थान या फिर किसी पवित्र स्थान में लक्ष्मी जी की स्थापना करके गाय के घी का 7 मुंह वाला दीपक जलाएं। नंबर दो, माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति पर मोगरे का इत्र अर्पित करें। नंबर तीन, गुलाब का इत्र चढ़ाने से रति और काम सुख की भी प्राप्ति होती है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। नंबर चार, माता लक्ष्मी को केवड़े का इत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इससे मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। नंबर पाँच, माता को चंदन का इत्र चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है और धन लाभ होता है। नंबर छः, धन के साथ साथ दाम्पत्य जीवन को प्रेम से परिपूर्ण और समृद्ध बनाने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। नंबर सात, प्रतिदिन घर में चंदन का इत्र लगाकर निकलें, इससे कार्य और व्यवसाय में उन्नति 2 गुना ज़्यादा होने की स्थिति बनने लगती है। नंबर आठ, प्रति शुक्रवार को गाय को ताजी रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पर जीवन भर बनी रहती है। नंबर नौ, शुक्रवार के दिन रात में 7 छोटे आकार के नारियल लेकर उनको एक पीले कपड़े में बांध कर घर की रसोई के पूर्व दिशा वाले कोने में बांध दें। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न या फिर धन की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं एक मंत्र की, 10वें नंबर पर। इसको आपको 1100 बार करना है। इस मंत्र को माता लक्ष्मी का यही मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 1100 बार करना है। इस मंत्र से आपकी सभी आर्थिक संकट दूर हो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।